ज्योतिष के अनुसार नाग पंचमी के दिन कुछ उपाय मात्र से इस दोष से छुटकारा पा सकते हैं। कुंडली में काल सर्प दोष होने से लोग काफी परेशान रहते हैं, इनका बना हुआ काम बिगड़ जाता है, इसलिए समय रहते इस दोष से मुक्ति पा लेना बेहद ही जरूरी है। नाग पंचमी के दिन इन उपायों से काल सर्प दोष कट जाते हैं। जी हाँ, ज्योतिष बताते हैं कि कुछ उपाय हैं जिन्हें अगर आप नाग पंचमी के दिन करेंगे तो आप पर जो दोष है वो कट जाएंगे। और नाग पंचमी के दिन सोमवार भी पड़ रहा है तो ये उपाय बेहद कारगर साबित होंगे। ये उपाय क्या हैं, चलिए जानते हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा नियमित करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध, बेलपत्र और गंगा जल में काला तिल मिलाकर अर्पण करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन घर में मुख्य द्वार पर गोबर या मिट्टी के नाग का चित्र बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष कट जाता है। ज्योतिष के अनुसार नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और नाग गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है। ज्योतिष के अनुसार चांदी के बने हुए नाग किसी ब्राह्मण से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करना शुभ माना जाता है और काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको नाग पंचमी के दिन जरूर करने हैं, क्योंकि नाग पंचमी के दिन सोमवार भी है और सावन भी चल रहा है, तो ऐसे में ये संयोग बेहद ही विशेष है। इस दिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि निश्चित ही आपका काल सर्प दोष कट जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।